दिनों उन्हें से नाम का आ रहा है बच्चे पढ़ने के लिए। तेज रफ्तार में जो तूफान गाड़ी और अपने ट्रक की टक्कर, उसमें चार मासूम बच्चों की जो मौत हो गई थी। ऐसी दुर्घटना विगत 10 साल के अंदर इस नागदा उज्जैन से जावरा बाईपास पे करीब, जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी लगी है, 180 एक्सीडेंट हुए हैं, उसमें से 235 के आसपास करीब उनकी मृत्यु हो चुकी है और 670 लोग घायल हो चुके हैं। उसके बाद भी आज तक भी प्रशासन की ओर जूनी रहेंगी। सबसे व्यस्ततम मार्ग अपने मार्ग है राज्य हाईवे 17 नंबर, इसे जाना जाता है। इसको 4 लेन की बहुत आवश्यकता है। आए दिन यहाँ पे नागदा नगर एक उज्जैन से क्षेत्र के सबसे बड़ा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ आए दिन जब देखो जब यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन से व यहाँ के सांसद महोदय से इनसे सबसे हम निवेदन करते हैं कि जावरा से उज्जैन का जो टू लेन उसको 4 लेन जल्द से जल्द किया जाए, यही हमारी मांग है। नागदा जावरा होते हुए उज्जैन को जाने वाली जो बाईपास है वो इसको 4 लेन करने के लिए आज हम चेतन जी अगर के माध्यम से 5 जैसी भूखड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये सबसे व्यस्त मार्ग है, उसके बावजूद भी 2 लेन है, उसको 4 लेन करने के लिए आज से ही भूखड़ताल है। और जब तक ये इसके मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम ये मांग को आगे बढ़ाएंगे और उसके पश्चात हम अपना जो भी आंदोलन है उसको अंतिम रूप देंगे। हाँ, हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द जो ये 2 लाइन बाईपास है उज्जैन से लेके जावरा का, इसे 4 लाइन किया जाए। एवं नागदा में सिविल हॉस्पिटल का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो और जब तक इस रोड को 4 लाइन नहीं करा कर जाए, जब तक इसका चौड़ीकरण किया जाए। आप सभी को नगरवासियों को मालूम है विगत दिनों हमारे 4 बच्चे जो मेल से नागदा पढ़ने आते थे रोड की समस्या के कारण और जो व्यवस्थित रोड नहीं है, 4 लाइन नहीं है, उसके कारण 4 मासूम बच्चों की जान जो चली गई है, उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य चेतन भैया द्वारा 5 दिन का अनशन रखा गया, तो उनके सभी सहयोग में सभी लोग यहाँ पे अनशन पे उनके साथ सहयोग देने के लिए बैठे हैं। जो 4 बच्चों की मौत हुई है उसके लिए और चेतन भैया के समर्थन में बच्चे का वोट जो 4 लेन की मांग बच्चे का वोट समर्थन में बैठे हैं कि जल्द से जल्द 4 लेन की पुलन बनाया जाए जिससे कि होने वाली एक्सीडेंट कम हो सकता है। नागदा उनेल रोड चौड़ी होना चाहिए और जावरा तक होना चाहिए और वो आज अस्पताल बड़ा होता तो अनिधुक होता तो यहाँ पे वो 2 बच्चे की जान बच सकती थी। और हमारे और कल से और अभी महिला आएगी और हम यहाँ पे बैठे हैं। चौड़ी 4 लाइन होना चाहिए।